फ्रेंड्स नमस्कार, एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं एक शेयर लेकर आया हूं जिससे मुझे लगता है कि यहां से ये 10% दे सकता है या नहीं, ये तो आगे की बात है। तो चलिए हम देखते हैं उस शेयर्स के बारे में कि वो क्या शेयर्स है और इसमें हम क्यों 10% की उम्मीद करते हैं। तो अगर आप कोई भी शेयर्स परचेज करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा या आप खुद उसको चेक कीजिएगा। ये सलाह केवल आपके उस चार्ट के देखने के लिए है, खरीदने या बेचने के लिए मेरा कोई सलाह इस पर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं उस चार्ट को। और हाँ, अगर आपको शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे खोल सकते हैं, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये शेयर है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का शेयर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका मैंने डेली कैंडल पे ये आपको पूरा कैलकुलेशन किया हुआ। यहाँ पर आप देखिए, ये शेयर्स बहुत दिनों से, यानी कब से अगर आप देखें, ये शेयर्स आप देखिए यहाँ पर 2024 के फरवरी से लेकर और अब तक एक एरिया में कंसोलिडेट किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक डायवर्स बॉक्स के अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। और अब जाकर इस मतलब आज के डेट में, आज के दिन ये शेयर्स यहाँ से इस एरिया को क्रॉस किया है। यानी यहाँ पर इसकी जो हाई देखेंगे, ये शेयर का हाई था 97.08 रुपीज़, इसके पिछले कैंडल का हाई था 96.98 और आज की क्लोजिंग इसकी मिली है 97.5 और हाई लगाया है 98.60। तो इसका कहने का सिर्फ मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स था यहाँ से जो इसने कंसोलिडेट किया था, ये अब यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसने इसके जो एरिया है इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर आप नीचे देखिए तो ये RSI भी अगर आप देखेंगे तो 68 के पास है। मैं कभी भी जब भी शेयर्स देखता हूँ, अगर हमें मोमेंटम ट्रेड लेना है तो 60 के ऊपर RSI को होना चाहिए। तो ये हमारा क्वालिफाई करता है कि 60 के ऊपर RSI है और हमारा जो ब्रेकआउट है वो भी यहाँ पर आज कंप्लीट होते हुए दिखा है। तो इस तरह से दो चीजें हमें तो सामने मिल गया। तीसरा हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जरूरी होता है क्योंकि देखिए, जिस तरह से कोई भी शेयर्स आप खरीदते हैं तो उस कंपनी की सेल्स जरूरी है। अगर सेल्स ज्यादा है तो उसमें, क्योंकि क्या होता है कि आपके सेल्स में कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं हो सकता, उसी तरह से जो वॉल्यूम्स होता है, वॉल्यूम्स में कोई मैनिपुलेशंस नहीं होता, यानी जितना वॉल्यूम है वो है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब आप देखेंगे ये फरवरी से लेकर इस शेयर पे यहाँ पर एक बार ग्रोथ हुआ, यहाँ से उछाल मारा और फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर आप देखें जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स ड्राई होते चला गया है। ड्राई होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर कोई भी आदमी इस शेयर को बेचने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी बड़ा सेलर्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, और जब भी ये डाउन आ रहा है तब भी यहाँ से परचेज आ रहा है, जब भी ये डाउन आ रहा है तब भी यहाँ से परचेज आ रहा है। यानी ये वाला एरिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। और उसके बाद अब जाके यहाँ पर 4-5 दिन में अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आया लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर नेक्स्ट डे वॉल्यूम आया और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया। और फिर आज ये क्लोज अपने इस फरवरी के ऊपर को कर दिया है। दूसरी बात, अगर हम इसको वीकली चार्ट पर भी देखें, बिल्कुल ध्यान से समझिए शेयर्स लेने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। वीकली चार्ट पर भी देखें तो वीकली चार्ट पर भी ये अपने आप को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है। और इसी तरह से अगर हम EMI को भी देखते हैं तो EMI भी यहाँ पर आप देखें तो 30 EMI और 50 EMI के ऊपर चल रहा है। तो शेयर्स में आप ये देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये कंप्लाई करता है अपने शेयर्स को ऊपर मूव देने के लिए। अगर आप इसको मंथली चार्ट पर भी देखें तब भी मंथली चार्ट पे भी ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको इस शेयर्स को ट्रेड करेंगे क्योंकि मंथली में भी ये अपने सारे जितने भी इसके पीछे वाले रेजिस्टेंस थे वो सारा कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग इसको मिल चुका हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे कि हमारा शेयर्स
जैसे 98.6 पे इसने हाई लगाया है, तो उससे ऊपर हम इसको परचेज करने का जीटीटी लगाएंगे। तो सिंपल, मैं यहां पर इस शेयर्स को लूंगा 99 के रुपीज पे, और 99 पे मेरा जीटीटी रहेगा, और पहला टारगेट मेरा 10% का यानी 109 के पास रहेगा। तो यहां से अगर सिंपल कैसे हम देख सकते हैं कि अगर इस शेयर्स को एक तरह से देखा जाए तो 19 रुपए या 20 रुपए का एक सर्कल था जहां से घूम रहा था, तो 19-20 रुपए आप यहां पर आप जा सकते हैं। तो 19-20 रुपए 116 होता है, लेकिन मैं वहां तक का अभी पहला इंतजार नहीं करूंगा, पहला मैं 109 रुपए का टारगेट के साथ इसको चलूंगा। और 109 रुपए आ गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट को अपने सेल को करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे ट्रेंड करने के लिए। तो इस तरह से आप 109 के लिए ये IDBI बैंक पे ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है आज, और मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न्स देगा।